आप लोग हमेशा मुझे मेरा हर वीडियो में देखते हो, देख के कमेंट करते हो, बोलते हो आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। अरे मेरा पीछे देख लो जा रहे सब, ऐसा बोलते हैं ना, पपीता पकने के बाद उसका अंदर का जो बीज होता है वो गोरा गोरा होता है ना, एक गोरा गोरा लुक देख लो, देख के समझ जाओ मैं कहाँ पे हूँ। और आगे पीछे भी है, जो पपीता के अंदर जो बीज होता है ना गोरा गोरा होता पकने के बाद, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो आप गैस कर लो, खाना बन जाएगा। मतलब के मैंने पूरा गाँव के एरिया में आ गया, पूरा भीड़ भाड़ है अभी, जस्ट मतलब अभी छुट्टी के सब लोग आए, मतलब ड्यूटी, अभी यहाँ पे ड्यूटी भी छुट्टी होता 5 बजे और स्कूल का बच्चे लोग का भी स्कूल भी छुट्टी होता है 5 बजे, सब साथ में चले। ये पूरा डाउन है, बारिश होता तो पूरा इसमें पूरा पानी भर जाता है, यहाँ से तो पूरा डाउन जैसा है पूरा पूरा। ए टिफिन 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 टिफिन। गाइस सब्सक्राइब टू ब्लॉग चैनल, माई माई सब्सक्राइब चैनल, छोटे छोटे है, मैं बाद में बोलूँगा। गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, नमस्कार नमस्कार, वेलकम टू माई बड़ा सा ब्लॉग। मेरे एक कमेंट आया है, एक भाई है, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कमेंट आया है आप देख सकते हो। तो उनका कमेंट एक आया है, भाई आप कहाँ से हो। मैं तो ऐसे तो हूँ, मैं धरती से धरती से हूँ, मैं आप लोग जैसे हूँ मैं भी वैसे ही धरती से हूँ। अरे यार कौन आ गया, छुट्टी बच्ची आ गया। और ऐसे ही मैं सीढ़ी पे बैठ के बात कर रहा हूँ, अरे यार फिर से कौन आ गया। ऐसे ही मैं सीढ़ी पे बैठ के बात कर रहा हूँ और कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और हाँ भाई का कमेंट आया था, आप कहाँ से हो। ऐसे तो मैं धरती से हूँ, आप लोग जैसे हूँ मैं भी ऐसे ही धरती से हूँ। मैं अभी तो मैं काले देश में हूँ, काले के देश में आया हूँ, अफ्रीका केनिया में हूँ मैं, ऐसे तो हूँ उड़ीसा से। और भाई का कमेंट आया था और फिर बोले आपका गर्लफ्रेंड है कि नहीं, आया आया ऐसे कैसे कुछ दिन पूछते हो यार। आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब वगैरह करो यार, फिर से कौन आ गया। मेरे को वीडियो भी बनाने नहीं देंगे क्या, ये कल बनाऊंगा, चलो मैं जा रहा हूँ। बहुत दूर हम लोग आ गए, मैं भी 2 मंथ आफ्टर मैंने साइकिल निकाला हूँ घर से, मतलब घर के अंदर ऐसे ही, मतलब मैं जब से ये नया एरिया में आया हूँ ऐसे ही मेरा साइकिल घर के अंदर था, मैंने आज फर्स्ट टाइम निकाला। पूरा चला के जा रहा हूँ मैं, पूरा ऐसा टायर जैसा लग रहा है क्योंकि मैं 2 महीने के बाद साइकिल चला रहा हूँ, पूरा ऐसा थोड़ा थका हुआ लग रहा है अब तो, पहले स्टार्टिंग इसलिए लग रहा है, देखते फिर आज क्या धमाल होने वाला है। गाइस ये लोग देख सकते हो अभी कहाँ से जाए, अभी ड्यूटी जा रहे थे, ड्यूटी से अभी छुट्टी होकर जा रहे हैं। और ये है प्रेशर कुकर और वो तो लीडिया है, अभी जस्ट छुट्टी होकर हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ खाने के लिए। अभी ये ड्यूटी मतलब आज शनिवार था तो भूख भी लगा, अभी लॉन्च टाइम छुट्टी हो गया, मतलब लॉन्च टाइम तो अभी छुट्टी हो गया है, तो अभी चलो चलते हैं, मैं जा रहा हूँ पहले खाना खाने, खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत तेज़ धूप किया है, साइकिल लेके जाना बोलते बोले तो रास्ते में बहुत डेंजर जैसा है। अभी मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ फिलहाल, अभी जस्ट निकलता हूँ, बहुत धूप के, पानी का बॉटल लाया नहीं, देखते कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। ये है, ये जो है ये गांव एरिया, जैसा गांव का जैसा एरिया है। और ये पर बिल्डिंग तो अच्छा था, मस्त मस्त बना हुआ है बिल्डिंग, बट जो रास्ता है तो पूरा घट घट गया, ऐसा पूरा हो गया है, पूरा डेंजर सा रोड है। वही चलते देखते हैं कहाँ तक निकलेंगे, ये इतना खतरनाक जैसा रोड है, थोड़ा सा हवा देता है ना इतना पाउडर जैसा उड़ रहा है। और तेरी इंडिया वाले सोचते होंगे कि अफ्रीका का रोड अच्छा होता है केनिया का, पर ये क्या है आप लोग देख लो, इंडिया में जो रुका होगा बोलता होगा इंडिया के बाहर के जो जगह है वो मस्त होता है, देख लो भाई देख लो ऐसा है रोड, हमारा इंडिया का गांव का रोड और मस्त है। जैसे हम लोग का जो मार्केट है इंडिया का, जैसा भी छोटा बड़ा मार्केट है ना, मार्केट के जैसे गाँव के अंदर जैसा जैसा है ना दुकान, ऐसा तो ये देखो पूरा ऐसा बोलते ना, ऐसा दूसरे किसी का जमीन है उस तरह, और इस तरह ऐसा पूरा उनका मतलब जाल का तार जैसा लगा हुआ उनके ऊपर कपड़ा लगा के मतलब लटका दिए, पूरा पूरा गाँव जैसे एरिया है भाई, देख लो अफ्रीका का केनिया के रूड़े से। अरे यहाँ तो गटर ही नहीं है, ये पूरा जितना है पीछे पूरा गया है, पूरा गाँव के एरिया है,
इसको मैं इधर से थोड़ा 2 किलोमीटर है, मैं वहाँ पर रहता हूँ, पर ये आ गया पूरा मार्केट जैसा, यहाँ पे बस स्टॉप वगैरह है, बहुत धूप किया है, धूप में मैं आया हूँ पूरा ऐसा इतना गर्मी कर रहा खुजली ऐसा हो रहा है शरीर पूरा, इतना इतना धूप किया है। केनिया, केनिया की मार्केट। अभी जो मैं ये जो मार्केट में घूम रहा हूँ ये बड़ा बड़ा मार्केट जैसा है, बट ये जगह दिन मतलब अभी डे टाइम में से है। अभी जैसे ही यहाँ पे नाइट टाइम हो गया, कोई फॉरेनर मतलब इंडिया हो गया कि दूसरा कंट्री का लोग आ गए यहाँ पे तो जा रहे नाइट टाइम में, यहाँ पे चोरी वगैरह ज़्यादा होता है मैंने सुना हो, मेरे साथ तो कभी हुआ ही नहीं, जब होगा तब पता चलेगा, हुआ ही नहीं अभी तक। और हम लोग क्यों रात में आएंगे, क्यों चोरी होने वाला है, हम लोग का डर भी लगता है, इसलिए हम लोग डे टाइम में ऐसे ही जाते हैं। और यहाँ पर भी बड़ा मार्केट है और ब्रिज जैसा है, तो इसे यहाँ से भी बहुत दूर दूर का मतलब होल जितना भी केनिया का बड़ा बड़ा सिटी है ना, यहीं से भी गाड़ी जाता है, मतलब यहाँ पे पूरा बस है, यहाँ पे तो बड़ा बस नहीं, यहाँ पे बोलते हैं ऐसे मटाटू जैसे है, तो उसी में सब जाते हैं ट्रैवल करते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज है, बड़ा सा ब्रिज है, उधर ही पूरा सब लोग ट्रैवल करते हैं। इसमें मैं आपको पूरा थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। अरे रुक रे हीरोइन, यहाँ का जो मार्केट है तो लेफ्ट में एक तरफ है, राइट में एक तरफ है, मतलब मैं जिस तरफ जाता हूँ उसी तरफ से, तो यहाँ पे तो नेरुबी का जो मैं जो एरिया में हूँ तो नेरुबी में हूँ, तो नेरुबी का जो हाफ एरिया ये हो गया, और एक जो मेन रोड है उस तरफ से पूरा पूरा जितना भी सिटी वगैरह उसमें आते हैं, तो बेक करता हूँ मैं दिख रहा हूँ। ये हो गया मेन रोड, यहाँ से इतना भी बड़ा बड़ा सिटी का है तो वहीं से मार्केट मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा है। ये हो गया, यहाँ पे तो ज़्यादा सब चलता है, ये मटा भी चलता है, इतना धूप जैसा पूरा टॉस जैसा है, मतलब पूरा पाउडर जैसा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मिल तो बहुत पूरा धूप किया है। और मैं ये हेलमेट पहन के भी बात कर रहा हूँ, बहुत गर्मी भी लग रहा है। अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, रूम निकल रहा हूँ, ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूरा गर्मी भी लग रहा है। और यहाँ पर कोई ऐसा घूमता है ना तो ऐसा ऐसा पूरा मतलब घूर घूर के झाँकते हैं, चला ये कौन है ऐसा तो मैं देख में तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि चला ये कहूँ कौन सा इंडिया का जानवर निकल गया है, जैसा इंडिया में ऐसा बोलते हैं ना कि अफ्रीका का जानवर आ गया क्या, ऐसा सोचते हैं ये लोग कि इंडिया का जानवर आ गया क्या। बहुत इतना बहुत गर्मी कर रहा है यहाँ पे, देखिए हो रहा है बहुत तेज़, मैं अभी निकल रहा हूँ रूम, फिर बाद में आऊँगा देखूँगा क्या क्या होने वाला, कहीं पर जाऊँगा, इतना बहुत पूरा मशीन मशीन आ रहा है और कहीं भी नहीं जा सकता मैं, मतलब मैं यहाँ पर जो बड़ा सा मार्केट है ना वेजिटेबल का मार्केट है तो मैं उसका अंदर आया, मैं लेकिन मेरे हाथ में साइकिल है, तो ये साइकिल लेके जैसे मैं निकलूँगा एक आदमी भी यहाँ पे पास करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इस एक आदमी को यहाँ पे भी पास करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतना छोटा सा गली है, पूरा बड़ा सा मार्केट ये है। लेकिन तो बारिश का टाइम इतना कीचड़ हो जाता है, आपने बारिश के टाइम पर आप देखे होंगे मेरा अगर पहले का मतलब वीडियो देखे होंगे तो इसे पूरा इतना गंदा हो जाता है। कम पहले का पुराना वाला वीडियो आप देखोगे तो इतना पूरा कीचड़ है ना। आप लोग हमेशा मुझे मेरा हर वीडियो में देखते हो, देख के कमेंट करते हो, बोलते हो आप कहाँ से हो। अरे मेरा पीछे देख लो जा रहे सब, ऐसा बोलते हैं ना पपीता पकने के बाद उसका अंदर का जो बीज होता है वो गोरा गोरा होता है ना, ये गोरा गोरा लोग को देख लो, देख के समझ रहा मैं कहाँ पर हूँ, और आगे पीछे भी है जो पपीता का अंदर जो बीज होता है ना गोरा गोरा होता पकने के बाद, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, तो आप गैस कर लो खाना बन जाएगा, मतलब गैस करके याद कर लो मतलब कहाँ के लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग तो बहुत तेज़ हो, गैस बहुत जल्दी करते हो, मैं आपको बताया था मैं अभी फ़िलहाल अफ्रीका केनिया में हूँ, तो यहाँ के लोग तो है ना गोरा ऐसा है ना पपीता का मतलब पकने के बाद उसका अंदर का बीज होता है गोरा, ऐसे लोग यहाँ पे है काले के देश में मैं आ गया हूँ। गोरा ऐसा हम लोग का ये लोकल एरिया जैसा है पूरा, मतलब जैसा गाँव की जो सिटी का मार्केट जैसा रहता है ना, पूरा कचर पट्टी जैसा कहीं कहीं पे रहता है, पूरा हर गांव ऐसा नहीं है कहीं कहीं पे रहता है, तो ऐसे ही पूरा कचर पट्टी बिल्डिंग तो बना हुआ है थोड़ा बहुत भी है दिख रहा है, बट यहाँ पे तो इनका लैंग्वेज जो खतरनाक है, अब कहने का लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, जो अगर नहीं समझ में आएगा तो इशारा करना पड़ता है, ये है वो है, हम लोग को इंग्लिश बोलना पड़ता है क्योंकि हम लोग इतना स्वाहिली समझ में नहीं आता, उनका लैंग्वेज स्वाहिली है, और बहुत सारा काम है बहुत सारा लैंग्वेज है हम लोग का, जैसे इंडिया में है बहुत सारा लैंग्वेज, यहाँ पे वैसे बहुत सारा लैंग्वेज है, और यहाँ हम लोग का जैसे मदर टंग है क्या बोलते हैं
हम लोग का राष्ट्रीय भाषा होता है क्या, हिंदी है, तो इन लोग का है राष्ट्रीय भाषा है स्वाहिली। तो स्वाहिली तो हमको इतना समझ में नहीं आ रहा, पहले तो थोड़ा बहुत उल्टा मुझे लग रहा था सुन सुन के, अभी थोड़ा बहुत समझ आ गया है, जैसे उतना नहीं थोड़ा बहुत आता है। इंग्लिश बोलते और नहीं आया तो समझ में उनको इशारा कर देते। अरे यार सारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे गाड़ी वगैरह समझता नहीं है लोग, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आगे जाता हूँ, ये फिर मेरे से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अकेला हूँ। मैंने पूरा गांव के एरिया में आ गया, पूरा भीड़ भाड़ है अभी जस्ट, मतलब अभी छुट्टी के सब लोग आए, मतलब ड्यूटी, अभी यहाँ पे ड्यूटी भी छुट्टी होता है 5 बजे और स्कूल का बच्चे लोग का भी स्कूल भी छुट्टी होता है 5 बजे, सब साथ में चले। तो कितना गंदा रोड है, देखो पूरा गटर जैसा है और बारिश होगा तो पूरा खतरनाक। अब देखो मतलब बिल्डिंग कैसा बना हुआ है लेकिन रोड नहीं है इसके अंदर, अभी थोड़ा मतलब बारिश नहीं है तो ऐसे है, ये बारिश नहीं है अभी, बारिश नहीं हुआ है ऐसा है, बारिश होने के बाद पूरा खतरनाक जैसा है, पर चल के नहीं भी जा नहीं सकते, वो बड़ा वाला बूट पहन के जाओगे, जो गम बूट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो गम वाला बूट, वो कुछ भी गाड़ी आता तो ऐसा पूरा गड्ढे में पूरा घुस जाता है। पर कितना बिल्डिंग जैसा है और रोड वैसा है, बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, कितना मस्त जैसा बना हुआ है, लेकिन बिल्डिंग का फ्रंट साइड ये क्योंकि इसको बंद तो है, और ये है बिल्डिंग का फ्रंट साइड, तो जाना नहीं थे करते, पूरा कितना खतरनाक जैसा गंदा जैसा है, पूरा गंदा रोड है, कितना बड़ा बिल्डिंग देखो, कितना सुंदर बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन बिल्डिंग के सामने देखो क्या है, पूरा ऐसा गटर जैसा। हाय मेरे भी देख के हाय बोल के दौड़ के भाग गया, बिल्डिंग देखो कितना कितना बड़ा बड़ा कलर देख के बना हुआ है, लेकिन रोड है ना इतना बड़ा गटर जैसा बना हुआ है, तो खड्डा है। अभी मैंने जो बड़ा मतलब मार्केट तो गया, अभी बड़ा मतलब गाँव जैसा एरिया है, ये गाँव नहीं है, अब देख सकते ऊपर कितना गंदा ऐसा गंदी सा पानी, लेकिन बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन ये लोग रोड नहीं बनाते, मतलब रोड तो इसको रोड नहीं बोलते, ये मतलब दोनों तरफ हो गया बिल्डिंग, और ये कुछ पैसा दिया वो आदमी और ये आदमी, दिन दोनों देगा तो बीच का जो रोड है ना वो मस्त बन जाएगा, तो कैसा पूरा घट्टा जैसा है, तो पूरा कितना गंदा जैसा है, पूरा पानी पूरा ऐसा गंदा जैसा दिख रहा है, और इसको पूरा बिल्डिंग बड़ा बड़ा है, देख सकते हो बिल्डिंग बड़ा बड़ा, लेकिन बनाते ही नहीं लोग, पता नहीं।